स्काई ई स्पोर्ट्स का आज का क्या शेड्यूल होने वाला है, मैच कब चालू होगा, कितने मैचेस होंगे उसके बारे में बात करेंगे। उसी के साथ घातक भाई के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि क्या वो गॉडलाइक लीव करने वाले हैं, कुछ कंफर्म हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं स्काई ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो आपको पता है कल टूर्नामेंट नहीं हो पाया था, मैचेस नहीं हो पाया, तो अभी यहाँ पे जो इवेंट है उसका डेट क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो लैंड जहाँ पे वेन्यू है उसी लैंड वेन्यू में एक और इवेंट है अपथ्रस्ट ई स्पोर्ट्स का 7 और 8 तारीख को। मतलब अगर यहाँ पे 3, 4, 5 का इवेंट था, 3 को हो नहीं पाया, आज 4 तारीख है, तो आज 4 और 5 को इवेंट होगा। 6 का कुछ अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद ये 2 दिन ही इवेंट चलेगा। अब इसमें कितने मैचेस होंगे वो कंफर्म नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे स्पीरो जब अभी स्ट्रीम कर रहे थे तो वहाँ पे वो कॉल करके किसी से बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि मैचेस अगर सही टाइम पे स्टार्ट हो गया और सब स्मूथली चला, मतलब कोई इशू नहीं आया और सारा मैचेस फटाफट हो गया, तो फिर 6 से ज़्यादा मैच भी हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे सही टाइम पे सब कुछ चल गया तो मेरे अकॉर्डिंग 9 मैच भी करवा सकते हैं, मैक्सिमम 9 मैच, क्योंकि 18 मैचेस का ये टूर्नामेंट था, 6 मैचेस तो नहीं हो पाया, 2 दिन बचा है, मतलब 3-3 मैच एक्स्ट्रा करवा सकते हैं, जो कि भाई तभी होगा जब सब चीज़ सही से होगा, मतलब सही टाइमिंग पे स्टार्ट हो जाए। अब टाइमिंग वही सेम है, 1 या 1.5 बजे से स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगा और जो मैचेस है वो 2 बजे से स्टार्ट होना ही पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर भाई यहाँ पे समझ लो कि आज ज़्यादा मैचेस नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं यार जो भी अभी होगा, यहाँ पे जो ड्राई रन मैचेस से भी चला है, मतलब सभी प्लेयर्स पहुँच चुके हैं, वो लोग का ड्राई रन मैचेस चल रहा है, तो अभी तो यहाँ पे कोई इशू आया नहीं है, लेकिन अगर ऐसा रहा तो भाई बहुत ही बढ़िया रहेगा, इन्जॉय कर पाएंगे। अब जो भी होगा यार यहाँ पे देखो ये इशूज किसी का हाथ में होता नहीं है, नेटवर्क का कोई इशू आ गया तो वो किसी का हाथ में नहीं है, बस वो लोग अपना पूरा काम कर चुके हैं, अभी कोई इशू नहीं है, तो होप करते हैं आगे भी ऐसा ही रहे और जल्दी से जल्दी यहाँ पे मैच स्टार्ट हो जाए, हम लोग इन्जॉय कर पाए। और कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे वीआईपी का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोग वीआईपी परचेज कर लिए, पैसा दे दिए, बट वो हो नहीं रहा है, सो नहीं कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परचेज किए, सबका ये वर्क किया है। तो अगर कुछ ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है तो आप लोग सपोर्ट मांग सकते हो, मतलब लोगों का यहाँ पे जो सपोर्ट होता है वहाँ पे जाके आप लोग उनको कमेंट कर दो जो भी आपके साथ इशू हुआ है, कि आप लोग पैसा दे दिए, पैसा कट गया बट वीआईपी नहीं मिला, वो आपको रिफंड या कुछ कर देंगे, या फिर आप लोग रिफंड खुद से भी कर सकते हो, वहाँ पे रिफंड का कहीं ऑप्शन होता है, मैंने उतना देखा नहीं है, बट देख लेना, वो शायद कर देते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं अब घातक भाई के बारे में। तो यहाँ पे आपको पता है घातक भाई भी ये लैंड पे गए हैं, और जो पहला दिन मतलब कल जब वो गए थे तो एक स्टोरी लगाए थे, देख सकते हो, जब गॉडलाइक सबका एंट्री हो रहा था तो गॉडलाइक का फोटो यहाँ पे लगा लिखे थे 1 लास्ट टाइम येलो हार्ट, तो ये लास्ट टाइम लिखे, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये इनका आखिरी बोल सकते हो लैंड इवेंट होगा, जो कि यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे। फिर जब ओसन का ब्लॉग था वहाँ पे उनसे पूछा गया कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो किसी टीम का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी लगाए थे उससे बोल सकते हो कि हाँ ये लास्ट बार है जो वो गॉडलाइक के साथ देखने को मिल सकते हैं। अभी भी यहाँ पे कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है कि आगे उनका क्या प्लान है, बट भाई यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्रॉन्टन ने भी बोला था कि जो घातक भाई का प्लान है वो यहाँ पे हो सकता है कि वो गॉडलाइक से अलग होकर अपना प्लान को एग्जीक्यूट करे। तो जो भी होगा यार पता चल लगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।